मंत्री हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस में शामिल हुए बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं को सीएम केसीआर ने पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। महाराष्ट्र बीजेपी अन्य पार्टी नेता और पूर्व पदाधिकारी बीआरएस में शामिल हो गए हैं। सीएम केसीआर ने उन्हें गुलाबी खंडवा ओढ़कर पार्टी में आमंत्रित किया। इस मौके पर पार्टी में शामिल होने वालों के पूर्व कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों भी शामिल हैं। मंत्री हरीश राव की मौजूदगी में ये नेता बीआरएस में शामिल हुए। मंत्री केटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में नौकरी की रिक्तियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की नौकरी की रिक्तियों ने एक नया शिखर छू लिया है। 2014 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में रिक्तियां 11% थी। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि केंद्र में रिक्तियां 25% तक पहुंच गई है। इस मौके पर उन्होंने आंकड़ों के साथ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय में 11.1%, रेलवे में 20.5%, डिफेंस सिविलियन में 40.2%, राजस्व और अन्य विभागों में 41.6% रिक्तियां थी। वरंगल जा रहे इटला राजेंद्र का जनगाम में जिला अध्यक्ष दशमंत रेड्डी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इटला राजेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री 30 साल बाद वरंगल की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक इटलर ने कहा कि वरंगल जिला बीजेपी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि जब देश में केवल 2 सांसद थे तब हनुमाकोंडा ने 1 सांसद उपलब्ध कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उस प्यार को बांटने, लोगों का कर्ज उतारने और वरंगल के विकास में हिस्सा ले आने आ रहे हैं। उत्तरी तेलंगाना, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और वरंगल में पार्टी उग्र हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को साहस देने के लिए उनमें आत्मविश्वास भरने आ रहे हैं। इटला ने बताया कि वे कई वर्षों के सपने वैगन फैक्ट्री के लिए भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि धरनी पोर्टल अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। हाल ही में रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस कर धरनी के मुद्दे पर बीआरएस सरकार की खिंचाई की। कथित तौर पर धरनी पंजीकरण रात में हो रहे हैं। बताया गया कि शंकर हिल्स क्षेत्र में प्रतिबंधित जमीनों के मामले में सब रजिस्ट्रार आधी रात में ताला खोलकर रजिस्ट्री कर रहे हैं और दोबारा ताला लगाकर उसे प्रतिबंधित सूची की जमीन बता रहे हैं और सरकारी जमीनों पर मालिक बनाकर उसे अपने नाम का पर करा रहे हैं। एमएलसी कविता ने साईचंद के परिवार वालों से मुलाकात की, जिनकी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। साईचंद की चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, उसकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए प्रार्थना की। इस मौके पर कविता ने साईचंद के साथ अपनी दोस्ती व नजदीकियों को याद किया। एमएलसी कल्वकुंट्ला कविता ने तेलंगाना कार्यकर्ता राज्य गोदाम संगठन के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गायक साईचंद के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिनकी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। कविता के साईचंद के घर जाने पर साईचंद की पत्नी एमएलसी उनको देखकर रो पड़ी। उन्होंने सांत्वना देने के क्रम में कविता भी भावुक हो गई और उनके आंसू छलक पड़े। एमएलसी कविता ने कहा कि यह दुखद है कि साईचंद की इतनी कम उम्र में मौत हो गई। कहा कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने गीतों से कई लोगों को प्रेरित किया। हम सभी इस खबर को सह नहीं पा रहे हैं कि हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा, साईचंद का निधन बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने का वादा किया। कालेश्वरम का पानी एसएसआरसी बाढ़ नहर तक पहुंच गया है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र कमरापल्ली मंडल के उपलोर में कालेश्वरम के जल की पूजा की। इस कार्यक्रम में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसानों का सपना सच हो गया है। केसीआर हमेशा तेलंगाना के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गोदावरी का पानी यूं उनके खेतों तक पहुंच जाएगा। मंत्री वेमुला ने कहा कि यही वह दिन है जब किसानों के सपने साकार हुए हैं। 2001 में सीएम केसीआर ने अपना वादा निभाया और किसानों के दिलों में यादगार जगह बना ली। कई वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंसे रेलवे निर्माण केंद्र का अंत हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बार बार याद दिलाया है कि अब तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 160 एकड़ जमीन रेलवे विभाग को सौंपकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को आखिरकार सुलझा लिया। बताया जाता है कि 10 एकड़ जमीन का दस्तावेज अब तक रेलवे विभाग को नहीं मिले हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे राजनीतिक ब्यूरो
प्रमुख श्रीनिवास द्वारा प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने 160 एकड़ जमीन रेलवे विभाग को सौंपकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों को आखिरकार सुलझा लिया। बताया जाता है कि 10 एकड़ जमीन का दस्तावेज अब तक रेलवे विभाग को नहीं मिले है। इसके बारे में अधिक जानकारी हमारे राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख श्रीनिवास द्वारा प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे करीमनगर के सांसद बंडी संजय का बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बुक्का वेणुगोपाल ने शॉल ओढ़कर बंडी संजय को तिरुपति का प्रसाद सौंपा। भाजपा कार्यकारिणी सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शमशाबाद हवाई अड्डे पर बंडी संजय का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर फैंस ने बंडी संजय बुक्का वेणुगोपाल को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट परिसर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। जीएचएमसी मेयर गद्वाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि जीएचएमसी के अंतर्गत आने वाले सभी पार्कों का विकास किया जाएगा। गद्वाल विजयलक्ष्मी ने स्थानीय विधायक प्रकाश गौड़ के साथ राजेंद्र नगर सर्किल गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में 2,24,00,000 की लागत से 3 एकड़ जमीन पर थीम पार्क की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पार्क 6 महीने में पूरा हो जाएगा और कॉलोनी के बूढ़े और जवान लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। महापौर ने संज्ञान में लाए कि राजेंद्र नगर सर्किल के अंतर्गत कई कॉलोनियों में कई पार्क तालाब नहरों पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। मेयर ने कहा कि वह किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पार्कों को और नदियों की रक्षा करेंगे। इसी क्रम में स्थानीय नगर सेवक अर्चना जयप्रकाश, धर्मा रेड्डी, पड़मटी श्रीधर रेड्डी और अन्य बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जीओ नंबर 46 को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने बीजेपी विधायक इटला राजेंद्र से मुलाकात की। शामीरपेट स्थित इटला के आवास पर गए पूर्व सैनिकों ने इटला राजेंद्र से अपनी समस्याओं के बारे में गुहार लगाई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण पर दिखाए जा रहे भेदभाव के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह पता चला है कि विरोध भी आयोजित किया गया था क्योंकि राज्य सरकार से बार बार मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। पूर्व सैनिकों ने इटला से भाजपा के घोषणा पत्र में पूर्व सैनिकों के मुद्दों को शामिल करने की अपील की। भरत ओके ओके साइड 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 ओके सर 3 घंटे पहले रहते हो सर मैं अंदर साइड 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 ओके ओके सर ओके डिनर मला दे सर साइड ओके सर ओके वेरी गुड बीजेपी नेता मोवा सत्यनारायण को धमकी भरे फोन कॉल से हड़कंप मचा हुआ है। मोवा सत्यनारायण ने मियापुर थाने में शिकायत की कि एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। तेलंगाना प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य शेरलिंगमपल्ली से चुनाव लड़ रहे विधायक मोवा सत्यनारायण ने मियापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मोवा सत्यनारायण ने शिकायत की है कि पहले भी इस तरह की धमकी भरे कॉल आए थे। चूंकि जान को खतरा है, इसीलिए पुलिस को यह पता लगाने को कहा गया और वह व्यक्ति कौन है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सुरक्षा प्रदान की जाए।
विधायक सरकारी सचेतक आरके पुड़ी गांधी ने कहा कि श्रीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 9 वर्षों में 170 करोड़ का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। विधायक ने एल्विन कॉलोनी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक गांधी ने स्थानीय नगर सेवक डोडला वेंकटेश गौड़ के साथ एल्विन कॉलोनी डिविजन में 3.5 करोड़ रूपए की लागत से नई जल निकासी और क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की आधारशिला रखी। विधायक ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि 2 माह के अंदर फाउंडेशन का 90% काम पूरा हो जाएगा। संभाग की समस्याओं की पृष्ठभूमि में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। विधायक गांधी ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं कर तुरंत दूसरे को ठेका देने वालों को ठेकेदारों की पहचान रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यक्रम में बीआरएस नेता डोडला रामकृष्ण गौड़ सहित अन्य स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। के पॉल ने कहा कि केसीआर और केटीआर ने तेलंगाना में चल रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने से बचने के लिए मानव अधिकार आयुक्त को हटा दिया। उन्होंने कहा कि वह धरनी लाए और हमारे दान में मिली भूमि पर कब्जा कर लिया। के पॉल ने कहा कि वह केसीआर से मिलने गए तो उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि वह इसलिए नहीं मिले क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार पर केसीआर से सवाल पूछने का डर था। उन्होंने कहा कि अगर प्रजा शांति पार्टी सत्ता में आई तो सभी को डबल बेडरूम देंगे। हैदराबाद में एक वास्तविक घटना घटी थी जिसे फिल्म केरला स्टोरी से नहीं लिया गया था। बीटेक छात्रा सोनिया जाधव की मां ने कहा कि उसकी सहपाठी अमरीन ने उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे अलग कर दिया। सोनिया और अमरीन बचपन से दोस्त हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के उदगीर इलाके के रहने वाले सोनिया का परिवार शहर के लंगर हाउस में रहता है। सोनिया की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज में दाखिला लेने के बाद सोनिया की पहले तो आदतें बदली गई, उसकी आचरण बदला गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। उन्होंने प्रेस क्लब में रोते हुए कहा कि इसके बाद उसे पासपोर्ट देकर उनसे दूर कर दिया गया और उनके परिवार से छीन लिया गया। भले ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्याय नहीं मिलने वाला है। टीएसपीएससी कार्यालय को गुरुकुल अभ्यर्थियों ने घेरा। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य में गुरुकुल विद्यालयों में 5 वर्षों से पीईटी पद नहीं भरे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने गुरुकुल स्कूल में पीईटी पदों को भरने की अधिसूचना की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वे 1:2 पद्धति के आधार पर नियुक्तियां करेंगे और अदालत के फैसले के बहाने इसे लंबित रखा। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने जवाब दिया और मांग की कि नियुक्तियां तुरंत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह खेदजनक है कि अदालत के फैसले के बावजूद नियुक्तियां नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार जिंदगियां एक दुर्लभ दृश्य बन गई है। गुरुकुल पीईटी के चयनित अभ्यर्थियों ने गांधी भवन से टीएसपीएससी कार्यालय का घेराव कर टीएसपीएससी के सामने सड़क पर धरना दिया। इसके चलते भारी यातायात रोक दिया गया। इससे पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया। कई महिला उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि एबिट्स एसीपी पूर्णचंद्र राव ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। श्रीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में कुकटपल्ली मंडल के पापीरेड्डी नगर कॉलोनी में कॉलोनी के निवासियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि वे 59 जीओ के तहत वर्तमान शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है। इस अवसर पर कॉलोनी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। पापीरेड्डी कॉलोनी को बसे 40 साल हो गए लेकिन अभी तक एक घर तक नहीं बन पाया है। उन्होंने आधीरता जताते हुए कहा कि 2015 में 80 गज के लिए 2 लाख बनाने के नोटिस मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान में एक ही सर्वेक्षण संख्या वाले किसी भी ब्लॉक के लिए भारी अंतर का भुगतान करने का नोटिस दिया गया है। उन्होंने कैबिनेट उप समिति से कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में नियमितीकरण के लिए दिए गए नोटिसों पर गौर कर उनके साथ न्याय किया जाए। मौजूदा स्थिति में उन्हें 80 गज के लिए 20 लाख और 61 गज के लिए 30 लाख रुपए चुकाने पड़ते थे। अब भी मंत्री केटीआर और हरीश राव ने विशेष ध्यान देते हुए कैबिनेट उप समिति से निर्णय लेने और पापीरेड्डी नगर कॉलोनी के निवासियों को न्याय देने की अपील की है। राज्य में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। हर पार्टी चाहती है कि इस बार जीत उनकी हो और इसके लिए वे कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते।
कुछ समय से बीजेपी के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पार्टी के नेतृत्व में बदलाव किया गया, तो अब इस बदलाव से भी कई लोग परेशान हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। भाजपा सांसद पंडित संजय कुमार को विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष पद से हटाया गया और साथ ही ये पता चला कि इसी बात से वे खासे नाराज हैं और उनका निष्कासन सबसे पहले तो उनके लिए ही एक बड़ा झटका था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भाजपा के तेलंगाना प्रभारी महासचिव तरुण चुंग ने नेतृत्व में बदलाव से साफ इनकार किया था। जब कुछ समय पहले संजय को दिल्ली बुलाया गया और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी के फैसले की जानकारी दी तो उनका दिल टूट गया, क्योंकि उन्हें आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने का पूरा भरोसा था। वे इसी फैसले से हैरान थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित शीर्ष नेता राज्य में पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अब हालांकि कथित तौर पर नड्डा ने उनसे कहा कि पार्टी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बदला जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय स्थित नड्डा के कार्यालय में बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी। पार्टी महासचिव तरुण चुंग और सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद थे। संजय इस फैसले से इतने नाराज हुए कि वह पार्टी मुख्यालय के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए थे, जबकि मीडिया कर्मी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ समय के बाद ही पार्टी ने बयान जारी किया कि केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी को नया राज्य पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय को हटाने की मांग करने वाले नेताओं में शामिल भाजपा विधायक ईचेला राजेंद्र को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय ने बाद में ट्विटर पर घोषणा करी है कि वह आधिकारिक तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। पंडित संजय ने नाराज और दुखी होने के बाद भी अपने आप को संभाला और अपने जैसे सामान्य कार्यकर्ता को तेलंगाना के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का बड़ा अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। संजय ने तेलंगाना के लोगों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान हर कदम पर उनका खुले दिल से स्वागत किया। करीमनगर के सांसद ने कहा, हमारे जीवन में कुछ अध्याय बिना बंद हुए ही बंद हो जाते हैं। उन्होंने लिखा कि वह नए जोश के साथ किशन रेड्डी के नेतृत्व में काम करने को उत्सुक है। संजय ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए किशन रेड्डी और ईचेला राजेंद्र को बधाई दी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके अनुभवी और सक्षम नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और आप तेलंगाना में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
उपाध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल इसी साल मार्च में समाप्त हो गया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से वह इसी पद पर बने रहे और उम्मीद थी कि वह आगामी चुनाव में पार्टी को नेतृत्व करेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो पंडित संजय को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए जाने से पार्टी का भीतर उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने इसे चुनावी साल में नेतृत्व का अनावश्यक फैसला बताया। अनुभवी टॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद एम विजय शांति ने संजय की बर्खास्तगी पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संजय ने राज्य में पार्टी को अपने कदमों से आग कैसे पैदा की जाती है सिखाया। साथ ही विजय शांति को उम्मीद है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कड़ी बड़ा पद देगा। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अपने अनुयायियों की भावनाओं को समझने और सही निर्णय लेने का अनुरोध किया। संजय का हटाए जाने से नाराज बीजेपी की नलगोंडा शहर इकाई के अध्यक्ष एम नागेश्वर राव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वही खम्भम जिले में संजय के एक समर्थक ने आत्महत्या की कोशिश भी की। अब देखना यह है कि बंडी संजय को हटाने का पार्टी पर क्या असर होता है, पार्टी की अर्धकलह बंद होती है या फिर नहीं, और राज्य में पार्टी की स्थिति पर इसका क्या असर होता है। सबसे खास बात तो यह देखना है कि बीजेपी राज्य में चुनाव जीतती भी है या फिर नहीं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी में उतल पुतल जारी है। नेतृत्व परिवर्तन पदों को लेकर नेताओं का असंतोष, विधायक रघुनंदन राव की कड़ी टिप्पणी, बंडी संजय को अध्यक्ष पद हटाना, इसके बाद पार्टी में जमकर मतभेद सामने आ रहे हैं। आंतरिक रूप से कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले बीजेपी के नेता अचानक सार्वजनिक टिप्पणियां करने पर उतर आने से आलाकमान भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। मालूम हो कि बीजेपी के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी के एक ट्वीट से हड़कंप मच गया है। जितेंद्र रेड्डी ने ट्वीट में ट्रॉली पर एक भैंस को लादने का वीडियो साझा किया। कोट किया है कि तेलंगाना भाजपा नेताओं को एक खांचे में ढालने के लिए ऐसे उपचार की आवश्यकता है। जितेंद्र रेड्डी के इसी ट्वीट पर पार्टी नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। विधायक इटेला राजचंद्र ने इसी ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उम्र अनुभव वाले व्यक्ति को सीएम से काम लेने की जरूरत है, जो मन में आए वह बोलना नहीं चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बोलते समय किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँच पाए। उन्होंने कहा कि किसी की स्वतंत्रता और गरिमा कम नहीं होनी चाहिए। घटनाक्रमों के बाद सोमवार को जितेंद्र रेड्डी अपने फार्म हाउस में इटेला राजेंद्र के साथ मिले। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। क्या बातचीत की है इसका तो पता नहीं चल पाया है। इसी के बाद जितेंद्र रेड्डी ने टिप्पणी करी कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, वे सभी पार्टी के लिए मिलकर काम कर रही है। अब हाल ही में जितेंद्र रेड्डी ने एक बार फिर अपनी ट्वीट पर अहम टिप्पणी करी।
उन्होंने कहा कि वह उसे ट्वीट का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उसका जैसे चाहे वैसे व्याख्या कर सकते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उसे ट्वीट को देखने के बाद उन्हें फोन किया। रेड्डी ने कहा कि आपके पास एक अच्छा कवि हृदय है, आपके ट्विटर पर अपनी कला दिखा दी है, बहुत अच्छा किया है। बीच मंगलवार को तेलंगाना बीजेपी में हड़कंप मच गया। आलाकमान ने पंडित संजय को अध्यक्ष पद से हटा दिया। पंडित संजय बीसी समुदाय के हैं, उनके स्थान पर मंत्री जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाया है। किशन रेड्डी ओसी और उच्च स्वर्ण के इस व्यक्ति हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी आलाकमान तेलंगाना में पिछड़ी जाति और स्वर्ण में भेदभाव कर रही है। कुशामल विधायक श्री राजा सिंह का निलंबन पर आलाकमान ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। इसी के चलते राजा सिंह आने वाले चुनाव में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि पंडित संजय का राजा सिंह को समर्थन था। किशन रेड्डी और राजा सिंह के बीच गहरे मतभेद है। अब किशन रेड्डी अध्यक्ष बने हैं। इसी के चलते राजा सिंह को बीजेपी का टिकट मिलना असंभव दिख रहा है। तेलंगाना उभर चुकी है बीजेपी का यह परिवर्तन और अंतर कल आने वाले दिनों में बीजेपी में क्या का गुल खिलाता है।